नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने परवाणु में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की है। यहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास कार्य करवाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुश्किल से 4 प्रत्याशी उतारे हैं। हार के डर से कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे थे। उन्होंने सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। अभी चारों लोकसभा सीट में बहुत मुश्किल से उन्होंने 4 प्रत्याशी घोषित किए, 2 पहले कर दिए थे और 2 को घोषित करने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया के दौर में से गुजरना पड़ा। मुश्किल से अभी 2 दिन पहले अभी घोषणा हुई है। सब इच्छा छुड़ा रहे हैं, मालूम है कि क्या हो रहा है। अंत तक अथवा किसी को दे दिया टिकट, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चुनाव होगा, परिणाम होगा, भाजपा बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीती। वहीं कंडाघाट में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ के दम पर चल रही है। उन्होंने पन्ना प्रमुखों से संगठन में एकजुटता से कार्य करने का आग्रह भी किया। 2022 में चुनाव हुआ, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। झूठ पर आधारित, फरेब पर आधारित, धोखे पर आधारित सरकार बनी। 18 महीने में सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला।